हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुणाल, क्या बात है, सबसे पहले आ गए आप। जय हिंद। साजन, मोहिता, प्रियंका, निशा, यश, जिज्ञासा, कौशतौब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आरती, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम वेलकम टू दिस सीरीज 1000 स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म, जहां पर हम आपके सपनों को सच करने की कोशिश करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग हिमांशु, वेलकम गाइस। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो आई ऑफिशियली वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमारी ये सीरीज़ का नाम है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, और हम इसमें बिलीव करते हैं कि आपके कंधों पर वो दो ब्यूटीफुल स्टार्स बहुत जल्द होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ हार्ड कदमों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें उस कदमों को मैं आपको बुलंदियों तक हेल्प करूंगा पहुंचाने में। इज इट क्लियर? सो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जितने भी लोग पहली बार मुझे मेरे साथ जुड़े हैं गाइस, माय नेम इज अंशुम वर्मा एंड आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट, देन दीज आर माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आई हैव ऑल्सो क्रैक UGC नेट JRF एग्जाम एंड हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ, एंड आई हैव माई सेल्फ क्वालिफाइड CDS एग्जाम 7 टाइम्स। इज ए क्लियर गाइज? एंड 7 SSBs का मुझे तजुर्बा भी है। राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ गाइज, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूँ। ये हमारा अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सारे एजुकेटर्स अपने अपने लिंक यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, सो आप अपडेटेड रहेंगे जब भी कोई भी एजुकेटर अपना सेशन का लिंक शेयर करेगा। देन गाइस, ये हमारे सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं, आप इन सभी को फॉलो कीजिए। खास तौर पर इस चैनल पर, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम चैनल पर, मैं हर रोज 11 बजे आऊंगा। 1000 स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म नाम की सीरीज लेकर आप सबके लिए रोज मैं आता हूँ 11 बजे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे ये सेशन रहेगा आपके लिए। ठीक है, नाउ गाइस, एट 11 AM हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम पॉलिटी हर वीक, मैं वीकली क्वेश्चंस कराता हूं आपको, यहां पर मैं पॉलिटी करा चुका हूं फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में हमने क्या करा, ज्योग्राफी। ये थर्ड वीक चल रहा है, यहां पर हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक मंडे से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, जो अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक्स। सो गाइस, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशंस भी आपको देता हूँ। एक्सप्लेनेशंस ही नहीं, आपको एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पर सिखाऊंगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू विल गेट इन दिस सीरीज। साथ ही आप हमारे ये इन 10 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर 10-10 मिनट में आपको कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज मिलते हैं गाइज। ठीक है, 10-10 मिनट में आपको कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज मिलते हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो रेस्पेक्टिव टॉपिक्स के लिए। देन गाइस, डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, इस चैनल पर 5 बजे मैं रोज आता हूँ SSB प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैं आपको SSB प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। निशांत, मेरी जो ऐप पर है, अनअकैडमी ऐप पर गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर अभी क्लासेस नहीं चल रही है, मेरी क्लासेस यहाँ पर 10th से शुरू है। 10th ऑफ अगस्त से आपके लिए मैं लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है गाइस, कोर्स एक्टिव है। 10th से हम शुरू करेंगे इसको पढ़ना। ठीक है, जितनों ने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप अपने अपकमिंग CDS एग्जाम की तैयारी ढंग से कर सको। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर गाइस। उससे पहले आप जान लो कि बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल क्लास। आप ये स्पेशल क्लास को फॉलो कीजिए, यहाँ पर आपको नॉलेज के साथ साथ क्या मिलता है, नॉलेज के साथ साथ आपको यहाँ पर मिलेगा सम क्रेडिट पॉइंट्स। क्रेडिट पॉइंट्स का मतलब आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट ले पाओगे सब्सक्रिप्शन लेते समय। सो क्लासेस देखने पर भी आपको ये फायदा मिलता है। देन गाइस, ये है हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान। मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, जैसे करंट अफेयर विद अप्लाइड GS कोर्स फॉर रिटर्न एंड SSB, ये हर महीने मैं लगभग आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैन और फेब का मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अनअकैडमी पर।
देन ये कोर्स आपको रिटन प्लस एसएसबी दोनों में हेल्प करेगा। एसएसबी में जीडी, लेक्चरेट, इन सब में डायरेक्ट आपको हेल्प मिलने वाली है। देन गाइस पॉलिटी का कोर्स 10th of August से शुरू हो रहा है प्लस पर। देन अगले महीने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ये सब कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। देन एसएसबी में पूरा आपको साइकोलॉजी में हेल्प करूँगा, वैट, टैट, एसआरटीज में, देन जीटीओ सीरीज में, देन इंटरव्यू टेक्निक में, इन सब में मैं आपको एसएसबी के लिए हेल्प करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? इंडिविजुअली जो भी लर्नर मेरा कोड इस्तेमाल करके आएगा उसको मैं पर्सनली उसका साइकोलॉजी चेक करके देता हूँ, वैट, टैट, ठीक है, एसआरटीज, ये सब, एसडीज, ये सब मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब गाइज आपको मिलता है एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, बिल्कुल कराऊंगा। शिवांग मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के दो लेसन्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, वो सब आपको मिल जाएंगे, यार थर्ड लेसन है, ठीक है। सो गाइज पॉलिटी का कोर्स अगर आप करना चाहते हो और बाकी सारे कोर्सेज भी करना चाहते हो, आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। सो गाइज अगर आप 2021 में सारे डिफेंस एग्जाम प्लान कर रहे हो तो आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि 2021 के एंड तक आप कम से कम 10 से 12 डिफेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो यहां पर आपको रिटन प्लस एसएसबी की कंबाइंड पेमेंट करनी होगी, अलग से कुछ पे नहीं करना होगा। देन गाइज 24 मंथ्स का पैक भी है यहां पर, ठीक है। 24 मंथ्स का पैक उन बच्चों के लिए है जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चे 24 मंथ्स के पैक के साथ जा सकते हो। ये दोनों का कॉस्ट अगर आप देखोगे, इसका कॉस्ट है 8800 रुपीज़, इसका कॉस्ट है 12800 रुपीज़, दोनों में आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा गाइज अगर आप ये कोड लगाते हो, ठीक है। यही नहीं, इस कोड के साथ आप सिर्फ मेरे कोर्सेस नहीं, जीएस और एसएसबी तो मिलेगा मिलेगा, प्लस रिटन के सारे कोर्स जैसे मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, ठीक है। देन मैथ, साइंस, रीजनिंग के बाद आपका बचता है इंग्लिश, ये सब कुछ आप एक सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। डोंट वरी धीरज, धीरे धीरे सब इंप्रूव होगा, सब्सक्रिप्शन ले लो। पॉलिटी शुरू कर रहा हूँ मैं, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज, क्या आप सब तैयार है? इससे पहले हम शुरू करें, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो गाइज, ऑल दोस 25 पीपल हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, डू गिव मी सम लाइक्स। फिर शुरू कर रहे हैं आज की सीरीज, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और लाइक कर दो दोस्तों। अच्छा अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1000 स्टेप्स टू यूनिफॉर्म में सबसे पहले अपने आप को इमेजिन करो, आंख बंद करो 5 सेकंड के लिए और इमेजिन करो अपने आप को इस यूनिफॉर्म में। ये पावर ऑफ आर सबकॉन्शियस माइंड है, जो आप बिलीव करोगे, जो आप सपने देखोगे वो सच जरूर होंगे, बस उसमें मेहनत करनी है और उस मेहनत में डायरेक्शन मैं दूंगा, ठीक है। और मैं आप सबको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस सेशन का लिंक आपको आने से पहले ही यहाँ मिल जाएगा, प्लस पीडीएफ भी इस सेशन के ख़त्म होते के साथ मैं दे दूंगा, यहाँ पर आप मेरे साथ डाउट भी डिस्कस कर सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? सो चलिए गाइस शुरू करते हैं मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। अभी तक हमने हिस्ट्री के 2 सेशंस कर चुके हैं, जिसने भी वो सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख सकते हो। बस थोड़ा सा सपोर्ट के लिए दोस्तों लाइक करते रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइस। द क्वेश्चंस दिस वीक इज फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। वेलकम सौरव। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड विच ऑफ दीज कैन बी सेड टू बी द डिक्लाइनिंग बैटल्स आफ्टर विच द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द पॉलिटिकल पावर। इनमें से कौन सी बैटल्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक फुल कंट्रोल आ चुका था, पॉलिटिकल कंट्रोल आ चुका था गाइस? नाउ गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप कंफ्यूज हो कि रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है, एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है, कैसे मैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर।
करेक्ट, ये आंसर थोड़ा सा इजी था और सब लोगों ने इसका सही आंसर करा है. नाउ यस गाइस, टू प्रोमिनेंट बैटल्स वर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट बैटल्स थी, ठीक है, खास तौर पर ये बैटल ऑफ बक्सर गाइस. कैसे? क्योंकि ये बैटल सबसे पहले नवाब, जो मुगल के नवाब थे, उनके बीच में हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, जहां पर इन नवाबों को हरा दिया गया और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन होती है 1765 में. ठीक है, नाउ गाइस, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट डिसाइसिव रोल था इस बैटल का, वो था दीवानी राइट्स. नाउ गाइस, दीवानी राइट्स क्या होता है, नाम ही बता रहा है, टैक्स कलेक्शन का राइट. नाउ गाइस, जिस भी देश ने, अगर देखो, अगर आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है ना, तो सबसे पहले किसी चीज को स्ट्रांग करना होगा, वो है उस देश की इकोनॉमी को. चाइना का प्रेजेंट सिनेरियो देखो, मेरे सेशन में यही ब्यूटी मिलेगी आपको, मैं करंट के साथ सारी चीजें लिंक करके पढ़ाऊंगा. नाउ गाइस, चाइना का देखो, चाइना कैसे इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की ओर चल रहा है, हर जगह अपना पैसा फेंक रहा है और किसी भी ना किसी तरह से चीजों को कब्जाने की कोशिश कर रहा है. तो सबसे बड़ा रूल ही यही है कि आप अगले व्यक्ति को इकोनॉमिकली वीक कर दो, वो अपने आप आपके पास झुक जाएगा. तो ब्रिटिशर्स ने भी यही दिमाग लगाया और इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स को ले लिया गया. ठीक है, टैक्स कलेक्शन के राइट्स को ले लिया गया. इज इट क्लियर? सो ये एक बहुत अपने आप में डिसाइसिव रोल था. इसी के बाद बैटल ऑफ प्लासी, इट इज जज्ड वन ऑफ द पिविटल बैटल्स दैट कंट्रोल द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय द कॉलोनियल पावर्स. ठीक है, द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर वील्डेड इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ओवर द नवाब, कॉन्सिक्वेंटली एक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट कंसेशंस फॉर द प्रीवियस लॉसेस एंड रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड. यानी इस बैटल में, बैटल ऑफ प्लासी में, नवाबों को बुरी तरीके से हराया गया. हराया नहीं, पुराने जितने भी लॉस थे उनसे वो सारे रिकवर करे गए, उनकी तिजोरियों को खाली कर लिया गया. सो इनडायरेक्टली ये दोनों बैटल्स एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाल गई मुगल एम्परर्स के ऊपर. ठीक है, और अल्टीमेटली जो इंडिया का कंट्रोल था वो पॉलिटिकली शिफ्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. यस सौरभ, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर गाइस, जल्दबाजी नहीं मचानी है. सौरभ, देर आर सम अदर रीजंस टू इट, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं. '1857 को अलग से डिस्कस करेंगे कुणाल, अब ये सब हिस्ट्री के कोर्स में होगा कुणाल. अब मैं सब कुछ यहीं पढ़ा दूंगा तो अनअकैडमी मुझे तनख्वाह क्यों देगा, खुद सोचो. मैंने आपको कल बताया था ना दोस्त, कुछ भी फ्री नहीं है, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो यार, पूरा एक साल है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं हम. ये कोड का इस्तेमाल करो, ANSHUM, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले डालो. गुड अक्षिता. गाइस, थिंक बिफोर यू आंसर. रानी लक्ष्मीबाई इज अ रॉन्ग आंसर. चलो अब बाकी तीन में से गेस करो. रानी लक्ष्मीबाई इज अ रॉन्ग आंसर. एंड ऑल दोस पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार, रोज बोलना पड़ता है आप लोगों को. सारे अपने स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे तो नए बच्चों से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा. वेरी गुड, यस. सो गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, भिकाजी कामा. भिकाजी कामा इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन. ठीक है, व्हाई? बिकॉज शी हैज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. हर करेज, हर फियरलेसनेस, इंटेग्रिटी, परसिवरेंस, पैशन फॉर फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन. इन्होंने बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करा है गाइज. शी हैज क्रेडिटेड विद द डिजाइन ऑफ फर्स्ट इंडियन ट्राई कलर फ्लैग, ग्रीन, सैफ्रॉन, रेड स्ट्रिप्स के साथ जो हमारा पहला तिरंगा बना, वो पहला तिरंगा भी किसने बनाया दोस्तों? वो बनाया था आपके इन भिकाजी कामा मैडम ने.
ठीक है. यस शी वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नौरोजी एंड शी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड विद दैट दादा भाई नौरोजी ह्यूजली इमेंसली टूवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. ओके धीरज आप जा सकते हो 24 मंथ्स का देख सकते हो. बाकी आप एक बार इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको डिस्कस करके ये गाइड कर पाऊंगा कि 12 मंथ्स का सही रहेगा 24 मंथ्स का सही रहेगा. जय हिंद सृष्टि, लेट हो गए. फर्स्ट ट्राइकलर, सौरभ फर्स्ट ट्राइकलर बिकाजी कामा ने बनाया था, उसमें अशोक स्तंभ नहीं था. ठीक है नेक्स्ट गाइज, ये अभी क्वेश्चन आया था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, मैंने बात करी थी इसकी इनडायरेक्टली, अब मैं नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा, हिंट नहीं दूंगा. गेस करो आंसर. ओके मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सी, वेरी गुड कौस्तुभ. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं सारे, कैसे. नाउ गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन 1765 बिटवीन शाह आलम टू एंड रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 दिस ट्रीटी मार्क्स द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट एंड बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आलम ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर फॉर बंगाल बिहार एंड उड़ीसा. आप देख रहे हो तीन बड़े स्टेट तीन बड़े रीजन्स का टैक्स कलेक्शन किसको दे दिया गया, इन ब्रिटिशर्स को दे दिया गया. दस द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अपॉइंटेड एज द इंपीरियल टैक्स कलेक्टर. दीज राइट्स अलाउ द कंपनी टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द बंगाल बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है यू मिस्ड द सेकेंड स्टेटमेंट, ऐसा कोई प्रोविजन उसमें नहीं था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट इज रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. हु इज रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. Who is regarded as the maker of modern India? FCAT में ऐसे questions बहुत आते हैं. ये जो one liners type के होते हैं ना, one word या कोई ऐसा tagline दे दिया हो, mother of Indian Revolution, इस तरह के question आपको FCAT जैसे exam में मिलेंगे, INET जैसे exam में मिलेंगे. सत श्री अकाल विक्रम, की हाल चाल. ओके मिक्स्ड आंसर्स आर कमिंग. अच्छा सौरभ करोड़पति चल रहा है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है. एक आंसर पकड़ो. ओके मैनी ऑफ यू हैव ट्राइड. Now guys, answer to this question is the great personality Raja Ram Mohan Roy, जिन्होंने बहुत कुछ you know modern India के लिए करा, modern education के लिए करा. ठीक है his contribution towards India's creative and modern thinking goes to this guy. He was the main force behind the introduction of Western education. जितना भी आप ये modern science और ये सब पढ़ पा रहे हो, इनिशियली इसकी शुरुआत किसने करी, ही एडवोकेटेड फॉर दीज स्टडीज टेक्नोलॉजी वगैरह की. ही स्पेंड हिज ओन मनी ऑन अ कॉलेज टू प्रमोट दी स्टडीज. ठीक है इनको खुद अपने पैसे लगाने पड़े. ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर.
He has worked for child marriage, against child marriage. He has worked against widow remarriage, etc., etc. Now guys, इनके अपने खुद के घर वालों ने इनको घर से बेदखल कर दिया था, but he kept on fighting with all such social evils. He was a result of a persistent campaign against sati system, ठीक है, which was declared illegal in 1929 by Lord William Benedict, ठीक है. He was the chief advocate of the modern process of education and scientific learning. So this was his immense contribution. Is it clear? Lifeline चाहिए कुणाल, बिल्कुल. मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ यहाँ पर. UPSC से मांग लेना lifeline. Next question. Treaty of Seringapatnam. मैंने कल आपको एक homework दिया था. Anglo-Mysore War. मैंने आपको बोला था तीनों वॉर के बारे में पढ़ लेना. मैं रोज आपको छोटा मोटा होमवर्क दे देता हूँ. तीनों एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में मैंने आपको बोला था, पढ़ के आना. जिसने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा. तो बताओ Which of the following statement about this is correct? And जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है दोस्तों, पहले लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर करो. ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी गाइस. साउथ इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज में से एक है ये. नो मीनू, दिस इज नॉट टॉलरेटेड. यू आर लेट. योर पनिशमेंट इज यू विल डू अ 2 किलोमीटर जॉगिंग टुडे. फौज में लेट नहीं एक्सेप्ट होता. यू शुड हैव दैट डिसिप्लिन फ्रॉम राइट नाउ. मैंने आपको बहुत बार समझाया है, अभी से अपने आप को एक ऑफिसर समझो. और मैं भी उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, दैट आई एम टीचिंग फ्यूचर ऑफिसर्स. सो उस्ताद जी फौज में अकेडमी में भी बहुत तगड़ी पनिशमेंट देते हैं, तो ये उस्ताद भी बहुत तगड़ी पनिशमेंट देंगे आपको. ओके, मिक्स्ड आंसर्स आर कमिंग. गौरव यू आर ऑल्सो लेट. 2 किलोमीटर जॉग. ओके चलो, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइस ए. ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, इस ये ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं. द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में क्या था. टीपू हैड टू गिव अप हाफ ऑफ हिज डोमिनियंस, यानी जिस कंट्रोल में था टीपू का जो एरिया, उसके लगभग हाफ रीजन को उसको छोड़ना पड़ेगा. ही हैज टू पे वॉर इंडेमिनिटी, यानी वॉर का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा 3 करोड़ रुपए. आप समझ लो 3 करोड़ रुपए आज कितनी बड़ी रकम है, तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इससे इतने रुपए लिए थे. एंड सरेंडर टू ऑफ हिज सन्स एज हॉस्टेज टू द इंग्लिश. ठीक है, बोथ द साइड्स एग्री टू रिलीज द प्रिजनर ऑफ वॉर. द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. इट सिक्योर्ड अ लार्ज टेरिटरी ऑन द मालाबार कोस्ट. इन एडिशन दे ऑब्टेन्ड अ ब्रह्महाल डिस्ट्रिक्ट एंड दिंडुगल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्ट का ब्रिटिशर्स के पास कंट्रोल आ गया था. इज इट फाइन. देन दिस आफ्टर दिस वॉर ऑल्दो द स्ट्रेंथ ऑफ मैसूर हैड बीन रिड्यूस्ड, इट वॉज नॉट एस्टिंग्विश्ड. टीपू हैड बीन डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड. सो टीपू kept on fighting even after this war. तो ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में आपका ये ट्रीटी साइन हुई थी, बट इसके बाद एक और वॉर हुई, बट दिस लेड टू द एंड ऑफ दिस टीपू सुल्तान. ठीक है, ओके नेक्स्ट.
Who among the following was placed on the throne of Nawab of Bengal after Battle of Buxar? ब्रिटिशर्स ने किसको बिठाया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद ऑन द थ्रोन? जल्दी बताओ। ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हर कोई अपने व्यक्ति को बिठाना चाहता था थ्रोन पर। अच्छा, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल गाइस। इस पूरे सेशन का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, क्रैक डिफेंस एग्जाम विद अंशुम। चैनल का नाम है अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म। अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म। ओके, मिक्स आंसर्स आर कमिंग नाउ गाइस। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, मीर जाफर। ठीक है, मीर कासिम को तो हरा दिया गया था। मैंने आपको बताया था ना, मीर कासिम वॉज फाइटिंग, वो पुराना नवाब था। सो उसको रिप्लेस करके अपने एक बंदे को जो बिठाया ब्रिटिशर्स ने, वो था आपका मीर जाफर। He became the new Nawab of Bengal. Now, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइज। ये बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। आप एक काम करो, ये आपका होमवर्क है आज। ठीक है, आपको ये पढ़ना है 1764, 1757, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इसके बाद ये ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, इस सब के बारे में आप डिटेल से आज पढ़ के आएंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। इज इट क्लियर? ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको ये पढ़ने को कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 12th क्लास मॉडर्न इंडिया, उसके सेकंड, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ये पूरा स्टोरी दिया हुआ है। सो आप सिर्फ वो चैप्टर पढ़ाना, बाकी इसको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा अन अकेडमी के हिस्ट्री के कोर्स में ही। ओके, नेक्स्ट। ये मैंने अभी कवर भी करा था दोस्तों करंट अफेयर के सेशन में। जो मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर रहा है उसने ये जरूर क्वेश्चन करा होगा। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अभी करंट अफेयर में भी बना हुआ है। इस हिंट से बहुत इजी हो जाता है। ये मेरा ग्रुप डिस्कशन जो होता है हर संडे, मैं आप सबको बता दूं, एसएसबी के लिए एक ग्रुप डिस्कशन सेशन होता है मेरा, और वो फ्री है। इस संडे भी 5 बजे है वो सेशन। अगर आपकी अपकमिंग एसएसबी है तो आप आ सकते हो मेरे साथ 5 बजे ग्रुप डिस्कशन सेशन में, जहां एसएसबी के लिए हम जीडी करेंगे और टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सीएपीएफ में एसे लिखने में भी हेल्प करेंगे, प्लस जीडी। आपके लगभग 4 जीडी होते हैं एसएसबी में, तो उस जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है ये मैं आपको सिखाता हूं, एंड इट इज फ्री। करेक्ट गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेपाल, ट्रीटी ऑफ सगौली। अभी मैंने लास्ट जो जीडी करा था उससे पहले इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल रिलेशन पर हम एक जीडी कर चुके हैं ऑलरेडी। अन अकेडमी की ऐप पर जाओ, स्पेशल क्लास में जाओ, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, लास्ट टू लास्ट संडे ये हुआ था, वहां मैंने आपको बकायदा ये मेंशन करा था ट्रीटी ऑफ सगौली। करेक्ट, लिपु लेखला, ये सारा जो करंट इशू है वो इसी ट्रीटी के अराउंड घूम रहा है गाइस। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी पूछता है। अब देखो, क्वेश्चन तुम्हें हिस्ट्री का लगेगा और ये हिस्ट्री का है भी, बट इसका डायरेक्ट लिंक है करंट अफेयर में। सो जो मेरा करंट अफेयर का कोर्स है ना दोस्तों, जो अनअकैडमी पर चलता है, वहां पर मैं ऐसे ही लिंक करके चीजों को पढ़ाऊंगा। जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी मैं प्रेजेंट सिनेरियो से लिंक करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो फटाफट जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, देर मत करो, सब्सक्रिप्शन ले लो और अपकमिंग सीडीएस 2 की तैयारी जम के करो। ठीक है, शुरू कर दो, लेट मत करो, जितना लेट करोगे उतना नुकसान होगा। सो आप देख सकते हो यहां पर मैंने डिटेल्स दे रखी है इस ट्रीटी के बारे में, मैंने उस सेशन में भी बहुत बात करी थी।
आप इसको सेशन के बाद पढ़ लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट टाइटल ऑफ नेशनल एंथम व्हेन इट वॉज ओरिजिनली पेंड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यानी नेशनल एंथम जो हमारा है उसका ओरिजिनल नाम क्या था? कोई बता सकता है मुझे? सौरभ, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैं क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन तो पूछो। ओके, नाउ गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, भारत विधाता। हमारे नेशनल एंथम को बोला जाता था भारत विधाता, जब जैसे ही सबसे पहली बार ये लिखा गया। ओके, ये जब पहली बार लिखा गया था उसका नाम दिया गया था भारत विधाता। सो इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड वॉज अडॉप्टेड द हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जैन 1950 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था। नेशनल एंथम जनगण मन वॉज फर्स्ट सैंग इन कैलकटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 27 दिसंबर 1911। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कल मैंने आपको वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके बारे में भी एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है? कल के सेशन में हमने इसके बारे में बात करी थी। जिसने भी कल का हिस्ट्री का सेशन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पॉलिटी से शुरुआत करी है मैंने, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ठीक है? नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1890 यूके चाइना ट्रीटी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आप सबके लिए। द 1890 यूके चाइना ट्रीटी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, गौरव इज फर्स्ट वन टू आंसर। बी ए सी, मिक्स रिस्पॉन्स। ट्राई करो, सोचो। ओके, गुड, काफी लोग सही जा रहे हैं। मैं आपको हर सेशन में कम से कम 10 सेकंड दूंगा एक बार सोचने के लिए और आंसर करने के लिए हर क्वेश्चन में। ओके, सो गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी गाइज। इन 1890 दिस ट्रीटी इट वॉज एग्रीड दैट द बाउंड्री ऑफ सिक्किम एंड तिब्बत शैल बी द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन रेंज सेपरेटिंग द वॉटर्स फ्रॉम इंटू द तिब्बत तीस्ता इंटू द सिक्किम तीस्ता एंड इट्स एफ्लुएंस फ्रॉम द वॉटर फ्लोइंग इंटू तिब्बत मोचू एंड नॉर्थवर्ड्स इनटू द रिवर्स ऑफ तिब्बत। नाउ गाइस, बेसिकली जहाँ पर भी पहाड़ी एरिया होता है ना, जैसे इंडिया नेपाल का रीजन हो गया, ठीक है, इंडिया नेपाल रीजन हो गया, इंडिया भूटान रीजन हो गया, ये पूरे सारे रीजन ज़्यादातर कहाँ पर लोकेटेड है? माउंटेन्स, हिमालयस में लोकेटेड है। सो यहाँ पर जो नेचुरल बाउंड्रीज है ना, वो कई बार नदियाँ और ये खाइयाँ बना देती है, जो वैलीज होती है ना वो नेचुरल बाउंड्रीज बना देती है। अब यहाँ पर एक नदी जा रही है, उसको हमने नेचुरल बाउंड्री मान लिया। जैसे इंडिया नेपाल की एक रिवर है, रिवर काली। रिवर काली इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और असली में अभी डिस्प्यूट ही इस रिवर काली पर है,
क्योंकि इसका ओरिजिन किसी को नहीं पता। वो कहते हैं कि ओरिजिन ट्रीटी में जो कन्फ्यूजन है वो है ओरिजिन इसका कहाँ से है। हम कंसिडर करते हैं कि भाई ट्रीटी यहाँ से काउंट करी जाएगी, नेपाल वाले कहते हैं नहीं जी पीछे से काउंट करी जाएगी। सो इसी कन्फ्यूजन में कई बार आपके ज्योग्राफिकल जो बॉर्डर्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यू नो दिस ट्रीटी दैट वॉज साइंड इन 1890। अगर इसमें अगर आप फर्दर पढ़ना चाहोगे तो टिबेट रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ द कन्वेंशन इन 1890। फर्दर दे रिफ्यूज टू कैरी इन टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेट कन्वेंशन इन 1904। अ ट्रीटी नोन एज द कन्वेंशन बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड तिबेट वॉज साइंड एट लासा। In 1906, a treaty was signed between Great Britain and China at Peking, which confirmed the convention of 1904 that was signed between Great Britain and Tibet. Now guys, Tibet पर भी आपको पता ही है China ने कब्जा कर लिया था, correct? ये current affair में भी discuss करा था मैंने। Next question. फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में। ये क्वेश्चन तो बहुत कम ही लोग गलत कर सकते हैं। यस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइस डब्ल्यू सी बनर्जी में ये पहला सेशन हुआ जिसमें लगभग 72 इंग्लिश एजुकेटेड पीपल इंक्लूडिंग द एडवोकेट ट्रेडर्स एंड जमींदार टुक पार्ट इन दिस फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या सौरभ आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैं आपके सेशन के एंड में बात करता हूँ, अभी मैं बाकी सारे आंसर्स पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज गाइस असर्शन रीजनिंग में आपको देखना है कि स्टेटमेंट वन क्या दूसरे स्टेटमेंट का रीजन है। पहले तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। सोच के देखो दोनों स्टेटमेंट को सेपरेटली पढ़ो और फिर देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ओके, मिक्स आंसर। सो गाइस सबसे पहले 1857 वाज लार्जली लिमिटेड टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। नाउ गाइस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि हमें भी पता है ये एक लिमिटेशन भी थी। अगर ये रिवोल्ट पूरे भारत में उस टाइम फैल जाता तो हमें आज़ादी बहुत पहले ही मिल चुकी होती। सो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल करेक्ट है कि नॉर्दर्न पार्ट में और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया पार्ट में ही ये रिवोल्ट एक्टिव था। देन द टेरिटरीज बियॉन्ड द औरंगाबाद इन सदर्न इंडिया वर नॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। औरंगाबाद दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप ये कह रही है ये कि भाई महाराष्ट्र से नीचे क्या कोई टेरिटरी थी नहीं ब्रिटिशर्स के पास। अभी तो आज ही की क्लास में मैंने आपको बताई थी मैसूर में कैप्चर कर लिया था। सो गाइस स्टेटमेंट टू इज करेक्ट इनकरेक्ट। जब स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है तो वन और टू ऑप्शंस ए और बी ऑप्शंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सो हमारा एज पर दी आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट।
and the reason is incorrect. So answer to this question is C. ठीक है, इसमें कुछ खास explanation की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कोई explanation नहीं डाली. Next question. By the way, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. जिसने भी इस सेशन को पहली बार देखा है, आप आ सकते हो इस सेशन, इस टेलीग्राम चैनल पर. यहाँ पर मैं आपको सारे लिंक्स, PDF सब कुछ शेयर कर दूंगा. यस अभिष, करेक्ट, इट वॉज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट. दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट देम. As per the Queen's Proclamation of 1858, after 1857 revolt, ये Queen का Proclamation आया था. Which of the following two statements are correct? Statement को बहुत carefully पढ़ना है. चलो एक एक करके पढ़ते हैं. Now, British Crown assumed the sovereignty and control over princely states and their subject. Now, guys, princely state को तो आपको भी पता है, बहुत बाद में capture करने की कोशिश करी थी Britishers ने. उनके princely states को थोड़ा बहुत freedom था British rule में. So, ये princely state वाला ये option गलत हो जाता है. ठीक है, खुद सोच के देखो कि सारी उनकी sovereignty और उनका control अगर ये ले लेते, अभी इसी के ऊपर लड़ाई हुई है 57 में, ये सारी लड़ाई इसी वजह से हुई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह की वजह से हुई थी. ठीक है, बहुत सारे किंगडम्स इनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे. झांसी का किंगडम, सतारा का किंगडम, नागपुर का किंगडम हमने कल पढ़ा था. ठीक है, सो स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. देन क्राउन वुड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वेयर द सब्जेक्ट वुड बी द सोर्स ऑफ पावर. नाउ गाइस, खुद सोच के देखो, क्या 1858 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात क्या ब्रिटिशर्स कर सकते थे? सो इवन द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज डी गाइस. इज इट क्लियर? बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखो, लॉजिकल थिंकिंग लगाना सीखो. ठीक है, ये मेरा इस सेशन का मोटिव है, आपको ये सिखाना. यूपीएससी ऐसे ही ट्रैप करता है आपको, इसे कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ये सीधा आज के टाइम में क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, हाँ बताओ बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में हुआ. ठीक है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ये एप्लीकेशन पर बेस्ड है प्योरली. ओके, अलोन मेरा इंटरनेट सही चल रहा, आप एक बार अपना चेक करो, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, नील दर्पण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, CDS, CAPF दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है. जय हिंद पारुल, आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम पारुल. आप आ सकते हो कल से 11 बजे रोज. इवन शंकर AP is coming for the first time, and Pushpa is also not regular. I've seen Pushpa earlier as well. Now guys, this is quite easy. ठीक है, ये लगभग सभी ने सही कर दिया, पुष्पा ने बस गलत आंसर दिया है इसका. कोई बात नहीं, यहाँ पर गलती कर सकते हो दोस्तों, आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है. यहाँ जितनी मर्जी गलती करो, यहाँ पर हम कुछ सीखने आते हैं, अपनी गलतियों से सीखो. सो नील दर्पण इज अ बंगाली प्ले, इट इज अ वेरी फेमस प्ले गाइस. ठीक है, इट वॉज रिटन बाय दीन बंधु मित्र इन 1858. द प्ले वॉज असेंशियल टू नील दर्पण और नील धारा और इंडिगो रिवोल्ट विच हेल्ड इन 1859 इन बंगाल व्हेन फार्मर रिफ्यूज टू सो द इंडिगो सीड्स इन देयर फील्ड एज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव फार्मर्स फार्मिंग अंडर द ब्रिटिश राज. इंडिगो रिवोल्ट के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, इंडिगो रिवोल्ट से क्वेश्चन कल भी आया था, और भी सारे कई ट्राइबल रिवोल्ट्स थे. तो आपका होमवर्क है गाइस, आज का एक और होमवर्क दे रहा हूँ.
कि ये जो रिवोल्ट्स है ना, हमने जितने भी अभी तक के रिवोल्ट्स पढ़े हैं ये सारे आपको कवर करने हैं। यू हैव टू कवर दिस रिवोल्ट टुडे। सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स आप पढ़ के आओगे, ठीक है? अरे सारे जिज्ञासा को टारगेट क्यों कर रहे हैं? गलत हो गया तो भाई बच्ची की जान लोगे। ओके, अगला क्वेश्चन। इंडिगो एक, अब इसको मैं क्या कैसे समझाऊं हिंदी में कुणाल, मैं ये बेसिकली ओपीएम और इन सब में यूज होता है, डाई वगैरह के लिए इंडिगो यूज होता है। इसको नील की खेती भी बोला जाता है। थैंक यू सो मच पारुल, यू कैन कम डेली एट 11 AM। पारुल यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिफेंस एग्जाम। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इसको टेलीग्राम ऐप पर सर्च करना। चैनल का नाम है अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म, अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म। और अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर कि रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है। I can help you out in taking the subscription. You can WhatsApp me on this number for any doubts. Okay, ये कपड़े धोने वाला नहीं है आकाश, उजाला चार बूंदों वाला। Okay, पूर्ण स्वर्जनिक सभा। Again guys, answer to this question is D. Both the statement here are wrong. Okay, how? Let's understand this. Statement 1. Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha was formed in 1906, which after the formation of Pune Mahasabha, this Purn Swarjanik Sabha was established by M.G. Ranade in 1870 along with Ganesh Vasudev and others. Hindu Mahasabha was formed to protect the rights of Hindu community in the British India after the formation of All India Muslim Leagues in 1906. So the year वहाँ पर गलत है, so question गलत हो गया। It did not advocate radical reforms as Swadeshi or Swaraj. It was a show political organization in the British India, which started with the aim of working as mediating body between the government and the people of India. Is it clear? So the answer to the question is D. What language is this, Shankar? We don't understand. Kindly use English, Hindi, Punjabi or French. Next. During which of the following years Port Blair was the headquarters of Azad Hind government under Subhash Chandra Bose? Okay, alone you understand this? And also guys, do give me some likes, all those people who have joined me for the first time, thode se likes de do. Okay, ye thoda sa factual question hai, kaafi logo ka liye tough ho sakta hai, but let's see. Now guys, answer to this question is C. Theek hai, answer to this question is C. There was a provisional government to free India. Azad Hind was created in 1843. During the World War II, from the year 1943 to 1944, the Port Blair served as a
हेडक्वार्टर ऑफ आजाद हिंद फौज, ठीक है, इट वॉज यस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अक्षिता, वेरी गुड. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी पैटर्न. पारुल, आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी इस देश में अफसर बनाती है, अफसर बनना इतना आसान नहीं है, तो इजी क्वेश्चंस आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा. एसएससी जैसे इजी क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. कीर्ति को तो मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूं. ओके, नेक्स्ट, प्रार्थना समाज, अनदर इंपॉर्टेंट सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. What was the main objective of Prarthna Samaj? Okay. अच्छा, बाय द वे, जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मैं लिंक क्रिएट कर चुका हूं. ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है एम्पावरिंग द नेशन थ्रू वुमन एम्पावरमेंट. एम्पावरिंग द नेशन थ्रू वुमन लेड एम्पावरमेंट, ये आपके जीडी का टॉपिक है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो वुमेन एम्पावरमेंट पर हम बात करने वाले हैं. इस संडे को 5 बजे आपका ये जीडी है अन अकेडमी पर, फ्री फॉर ऑल, आप सभी आ सकते हैं इस जीडी में. और ये बहुत हॉट टॉपिक है गाइस, अभी जो अपकमिंग एसएसबीज हैं, बहुत सारे जीडीज कपूरथला में, इसके ऊपर जीडी चल रहा है आपका, अलाहाबाद में जीडी चल रहा है, वाराणसी में जीडी चल रहा है. ये 3 एसएसबी सेंटर से मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि वुमेन एम्पावरमेंट पर जीडी था, बाकी लेक्चरेट में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे. सो इस संडे को 5 बजे हमारा ये जीडी है, आप सब आ सकते हो. ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी गाइस. प्रार्थना समाज वॉज फॉर्म्ड बाय आत्माराम पंडुरंगा इन 1867. The aim was to make believe that God is one, worship only one God, monotheism जिसे कहते हैं, जो आपके राजा राम मोहन रॉय ने भी जिस प्रैक्टिस करा था, monotheism, God is one. The main reformers were the intellectual who advocated the performance of the social systems in Hindu. It sought to remove the caste restriction, abolish child marriage, encourage education of women, and end the ban on widow remarriage. The religious meeting of the Samaj drew upon the Hindu, Buddhist and the Christian texts. Is it clear? Okay. Who was the first Indian to get elected in the House of Commons? Next question and an important one. कौन से ऐसे Indians चुने गए थे election में House of कॉमन्स में? हाउस ऑफ कॉमन्स कौन सा है दोस्तों? ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, हिंट दे दिया मैंने. ये मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग सही कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करा था मैंने. यस, करेक्ट दादा भाई नारोजी, ही वॉज अपॉइंटेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स. ही वॉज अगेन, ही इज नोन एज द मेंटर ऑफ बोथ गोखले एंड महात्मा गांधी. हिज मैग्नम ओपस दैट इज पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी. इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट को, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में दी. इन्होंने, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश में जिन्होंने पावर्टी के बारे में कोई कैलकुलेशंस रिसर्च करने की कोशिश करी. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द लिबरल पार्टी टिकट. ये ऐड कर लेना, ये सबको नहीं पता होता, लिबरल पार्टी की टिकट पर ये इलेक्शन लड़े.
He served as a member from 1892 to 1895, became the INC president thrice, 86, 93 and 1906. तीन बार ये INC के चेयरमैन भी रह चुके हैं. He was the chairman of INC. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शुद्धि मूवमेंट अराउंड ब्रिटिश इंडिया, ये भी आजकल बहुत चलता है हमारे देश में. खाली बेरोजगार लोग इन सब चीजों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. Consider the following about the Shuddhi movement in the British India. Okay. Now guys, answer to this question 18th is C. Both the statements are correct. That means it was a social political movement aimed at reducing the conversions of Hindu to Islam and Christianity. Now guys, this is also a fact, I would say. Ye sab it was done forcefully. It was done even in many parts of the world till date. It was aimed at abolishing the practice of untouchability and converting the outcasts from the other religions to Hinduism. Is it clear? So both the statements are correct. This statement has derived its ancient rite Shuddhikaran or purification. It was started by Arya Samaj. The founder was Dayanand Saraswati and his followers like Swami Shaddanand, who also has worked on the Sangathan consolidation aspect of Hinduism in North India, especially in Punjab in early 1900s, through it gradually spread across India. Yes, it is banned, Kunal, but ऐसा बहुत कुछ बैन है हमारे देश में जो आज भी प्रैक्टिस करा जाता है. ठीक है, ऐसे तो सट्टेबाजारी भी बैन है. खूब सट्टा लगता है आज के टाइम में. मॉडर्न सट्टा आ गया ना, ड्रीम इलेवन जैसी एप्स जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आजकल इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, हु वॉज द फॉलोइंग has written Bidrohi, one of the most famous Bengali poem. This Bidrohi poem is written by which of the following? आप बता सकते हो मुझे? इस तरह के books and authors के question guys अक्सर आते हैं FCAT जैसे exam में. Books and authors के questions आपको मिलेंगे FCAT जैसे exam में, ACC जैसे एग्जाम में, INET जैसे एग्जाम में, TA टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में. ओके, मिक्स आंसर्स आर कमिंग अप. ओके, अक्षिता, कीर्ति, यश, करेक्ट आंसर. ओके आकाश, यू वांट टू गो विद ऑप्शन ए, दैट्स वेरी गुड, बट दैट इज नॉट अ राइट आंसर. So answer is C. 19th का कौन सा आंसर है दोस्तों? C. It was one of the famous Bengali poems written by Qazi Nazrul Islam in December 1921. It was first collected in 1922 in a volume titled Agni Veena, the first anthology of Nazrul's poem. So Nazrul Islam साहब ने इसको लिखा है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज गेम. 1857 के रिवोल्ट से ये क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का. फिर हम मिलेंगे आपसे शाम को 5 बजे SSB सेशन के लिए.
लॉजिकली एलिमिनेशन के साथ देखना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, एक स्टेटमेंट पढ़ो और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, बाकी ऑप्शंस पर भी नजर रखो। प्रथमेश, आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथमेश, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कम एट 11 एंड डू लाइक दिस वीडियो डियर। ओके नाउ गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, मेनी ऑफ यू आर answering it correct. Now let's understand. The direct responsibility of the administration of the country was assumed by British Crown and company rule was abolished. Yes, the Government of India Act 1858 or Act of Settlement, इसमें यही करा गया था. So statement one is correct. अब one जहां नहीं है वो option eliminate हो जाएगा. That means आप option B को काट दो. Second guys, the British promised to end the annexation and expansion. भाई ये कब से हो गया? चाचा प्लॉट पे कब्जा करना छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जो ये ब्रिटिश अंग्रेजी चाचा थे वो कब से ऐसा एनेक्सेशन और एक्सपेंशन छोड़ सकते थे? सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब जहां जहां सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, दो में से कोई सही हो सकता है। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड इवन एज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर ऑल्सो इंक्रीज्ड। मैंने आपको बोला था, ये मैंने आपको कल के सेशन में भी पढ़ाया था कि रिवोल्ट के बाद हर दो इंडियन सोल्जर पर एक यूरोपियन सोल्जर रखा गया। तो इंडियन सोल्जर्स की तादाद 1857 रिवोल्ट के बाद बढ़ाई गई, बट अल्टीमेटली इट वाज आल्सो इंक्रीज्ड फॉर यू नो द यूरोपियन सोल्जर्स एज वेल टू रिड्यूस द टेंडेंसी दैट देयर शुड बी नो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक 1857। Are you understanding the game, guys? ठीक है, चलो, this is all for today's game. Now, all those people who haven't joined my Telegram channel, I will share the PDF just after the this session. जैसे ही ये session over होगा, I will share the PDF. Partha, come daily at 11 AM and 5 PM. My next session will be at 5 PM today for SSB. All those people who are even freshers, you can come and you know practice some SSB questions with me at 5 PM. ठीक है, so time now for daily motivation guys. आज की motivation का समय आ गया है। हर रोज आपको मेरे session में कुछ ना कुछ motivating fact मैं लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि you guys can be pumped up होकर आप अपनी मेहनत करते रहो, कहीं पर भी थकने की जरूरत, रुकने की जरूरत नहीं है। So आज का motivation आपके लिए क्या है? Every failure is a lesson. If you are not willing to fail, you are not ready to succeed. Are you understanding, guys? So don't be afraid of failing in life. Fail होकर इंसान बहुत कुछ सीखता है दोस्तों, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हर कोई successful ही रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी इतने सारे failures देखे हैं guys. CDS एग्जाम को 7-7 बार दे चुका हूँ, हर बार इतना अच्छा दे के आता था, SSB में अच्छा परफॉर्म करता था, 2 बार रिकमेंड भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरिट आउट हो गया, ठीक है? सो अगेन, ये दुख तो सबसे बड़ा दुख है मुझे, ये जो 2 बार मैं मेरिट आउट हुआ ना, ठीक है? सो ये भी बहुत बड़ी लर्निंग दे के गया। सो एट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं गाइस, जो एक एक दो दो नंबर से, छोटी छोटी मिस्टेक से गलत हो गए, जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है? सो आप बस क्या कर सकते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है, बस सीखते रहो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड वर्क हार्ड। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग हार्ड गाइस, किस्मत भी नहीं रोक सकती, ठीक है? सो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। मैं कल दोबारा इससे 11 बजे हिस्ट्री सेशन के साथ आपको कल मिलता हूँ। आज शाम को 5 बजे SSB के लिए मिलता हूँ, यहाँ पर वैट प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो कि साइकोलॉजी में आता है। साथ में आप ये हमारे बाकी सारे चैनल्स को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ओके? एंड गाइज, इफ यू लाइक टूडेज मोटिवेशन एंड यू लाइक दिस वीडियो, अपने 5 फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को पर्सनली शेयर कर देना,
उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना और उनको बोलना कि लाइक कर दो इस वीडियो को, थोड़ा सा सपोर्ट आपकी ज़रूरत मुझे चाहिए, ठीक है। Obviously, Mahinder, you guys are the future officers, and I am also working to become an officer. Don't worry, tension matlo. I am also working. You are also working. Let's work together. Kirtika, I was not seeing your messages. आपके answers क्यों नहीं आ रहे थे? आ रहे थे तो how I have ignored? Okay. Anyways, Saurabh, आप क्या question पूछ रहे थे? पूछो. Guys, if you want to ask anything, you can ask any doubt that you have before I end this session. Question kya hai Saurabh? Question to batao. ऊपर बहुत ऊपर है सौरभ, आप क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख दोगे तो बेटर रहेगा। मैं ऊपर कितना ऊपर जाऊं कहां देखता रहूंगा, बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख दो। शंकर, आई एम स्टार्टिंग माय पॉलिटी कोर्स फ्रॉम 10th ऑफ अगस्त। इफ यू वांट टू नो द बुक, लक्ष्मीकांत, बट दिस कंप्लीट बुक इज नॉट यू नो नेसेसरी। यू शुड नो दैट वॉट शुड यू लीव इन दिस सेशन। पॉलिटी कोर्स में मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है। भूषण, 10th ऑफ अगस्त से मेरा पॉलिटी कोर्स शुरू हो रहा है। नो सौरभ, free classes are not enough because everything will be done in the main plus classes. If I will take everything in free classes, then why would Unacademy pay me? Unacademy मुझे payment क्यों करेगा, salary क्यों देगा अगर मैं सब कुछ free पढ़ा दूंगा? आप खुद सोचो। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, nothing is free in this world. सिर्फ माँ का प्यार और बाप की मार, ये free में मिलता है। बाकी हर किसी चीज़ की कीमत है। इसके अलावा ज़िंदगी में जो भी प्यार करोगे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम शोइंग यू सुचित, आई एम शोइंग यू द सब्सक्रिप्शन प्लान। दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्लान। इफ़ यू वांट टू कम विद 12 months, यू हैव टू पे 7920 रुपीज़। 8800 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। आपको मेरा ये कोड लगाना है और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मेरे सारे कोर्सेज GSK और SSB के आपको यहाँ मिलते हैं, साथ में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, अदर एजुकेटर्स के द्वारा सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। शंकर, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज इलैबोरेट। हवा भी फ्री में नहीं मिलती दिशांत, आज के टाइम में हवा भी पॉल्यूटेड है। आप जान के हैरान हो जाओगे, चाइना में छोटे छोटे टेट्रा पैक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए हैं। जैसे आप फ्रूटी का टेट्रा पैक खरीदते हो, वैसे ही आपको बहुत जल्द कैसे खरीदना होगा, हवा भी खरीदनी पड़ सकती है, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग पॉल्यूटेड। ओके, चलिए दोस्तों, आई विल सी यू टुमारो देन, एंड यस, वी हैव वन मोर सेशन टुडे एट 5 PM। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। संचित, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस नंबर, दिस इज माय नंबर 8595554395। सचित, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल गाइड यू। व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 8595554395। अरे वीडियो को बाद में देख लेना दोस्त,
और लाइक कर दो सबसे पहले सुचित। ओके चलो दोस्तों, अब मुलाकात होगी आपसे 5 बजे। टिल देन जय हिंद जय भारत, मेहनत करते रहिए, सपने देखते रहिए, सपने ज़रूर सच होंगे। टेक केयर।